को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़ी तैयारी की है। अटल बिहारी स्टेडियम में बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वेद व्रत से खास बातचीत की, सुनिए। लखनऊ में 25 मार्च को लेकर शपथ ग्रहण को लेकर बहुत ही तेजी से तैयारियां देखी जा रही हैं, और उन तैयारियों में यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा देखें कि क्या तैयारियां हैं, क्या चीजें लगाई गई हैं, उसमें हमारे साथ उत्तर प्रदेश से डीजी हेल्थ वेद व्रत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की आपसे डिमांड की गई है, क्या क्या चीजें रिजर्व रखी जा रही हैं, तो 25 मार्च को कितना अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, जैसा आपको मालूम है 25 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, उसमें पूरे देश से वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथि आएंगे। उनके सुरक्षा के लिए और उनके जो मूवमेंट होता है उसमें एम्बुलेंस की सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं। तो ALS और BLS एम्बुलेंस है, जैसा भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा मांग की जाएगी उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। और कुछ हम लोग चिकित्सक जो अन्य आसपास के जिलों से बुला रहे हैं हम लोग और पैरामेडिकल स्टाफ को, कि जो भी हमारा शपथ ग्रहण वाला स्थल है वो वहाँ पे कैंप करेंगे। वो जो हमारे दूर दराज से अतिथि लोग आएंगे, उनको कोई यदि चिकित्सा संबंधित कोई सुविधा चाहिए तो उसको भी प्रदान किया जाएगा। एक बड़ा प्रोग्राम देखा जा रहा है, PM है, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी तैयारी देखी जा रही, क्या एयर एम्बुलेंस जैसी बड़ी सुविधाएं भी मांगी गई हैं? नहीं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे यहाँ है नहीं और मांगी भी नहीं गई है। ये व्यवस्था रहती है उन लोगों के पास, उन तो आपको मालूम है कि विशिष्ट अतिथि जो आते हैं उनके खुद की जो एम्बुलेंसेज होती हैं सुसज्जित होती हैं। सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों की बात करें, कुछ अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है क्या? जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन से हों चाहे हमारे हों, सभी को अलर्ट पे रखा गया। सबको हम लोगों ने पत्र दे दिया है गया कि आप लोगों ने कुछ बेड आरक्षित कर लें किसी आकस्मिक के दे से। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 25 मार्च को लेकर चूंकि मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण है और इसको लेकर कोई भी कमी नहीं रह जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है। और खुद जो डीजी हेल्थ हैं वेद व्रत सिंह, उन्होंने साफ जाहिर किया है कि अन्य जिलों से भी जो स्टाफ है वो मंगाया गया है, चूंकि शपथ ग्रहण एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें कोई कमी या दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।